राहुल गांधी में और स्मृति ईरानी में अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, विकास की बात की जाए, तो किसने ज्यादा विकास किया? ज्यादा विकास राहुल गांधी ने किया, स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं किया, जो भी था वो और भी बंद हो गया। अब 1300 का सिलेंडर हो गया, अब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, मैं बहुत बहुत हैरान हूँ इस बात में। तो पिछले 5 वर्षों में अगर अमेठी के विकास की बात की जाए तो अमेठी का विकास कैसा रहा? अमेठी का विकास बहुत खराब रहा, और अगर देखना चाहें आप। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं अमेठी में, जो कि स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। स्मृति ईरानी 2019 में यहां के लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी और राहुल गांधी को उन्होंने हराया हुआ था। ये हमारे पीछे अमेठी का रेलवे स्टेशन है और हम यहां पर आज जानने वाले हैं कि यहां जो विकास है, विकास कितना हुआ है, क्योंकि भाजपा जो कि विकास की बात करती है, विकास के दावे करती है, तो देखना ये होगा कि आखिर विकास कितना हुआ है, यहाँ की जनता की क्या राय है और यहाँ की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में किसको जिताने वाली है। यहाँ हमारे सामने कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2024 का चुनाव है उसमें आखिर जनता किसको चुनने वाली है। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अफजल जी, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, 2019 का चुनाव हुआ था जिसमें स्मृति ईरानी जो है उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। कांग्रेस की कोर सीट मानी जाती है ये, और 2019 में राहुल गांधी हार गए, क्या वजह रही इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि पारिवारिक जो झगड़े हुए थे, घर में जो थूतन थी। अब बाकी बहरहाल देखिए, 15 सालों से राहुल गांधी अमेठी के सांसद रहे, लेकिन उन्होंने काम किया, अमेठी को दिखाया नहीं, अमेठी को न दिखाने की वजह से उनकी हार हुई। ठीक, उस कांग्रेस ने काम किया लेकिन दिखाया नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो बाकी लोग काम करते हैं वो दिखाते हैं। ये स्मृति ईरानी ने 5 सालों में जो भी कुछ किया है, ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बस ये थोड़ा एक बाईपास बनाई है, जो कुछ भी किया इन्होंने, ज्यादा यहाँ पर कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन अभी यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे 2024 का, अब पूर्व बहुमत से हमारे हिसाब से तो यहाँ से बहुत अच्छी सीट लेके जाएंगे, यूपी से भी लेके जाएंगे अच्छी सीट सांसद तक। तो 2024 में राहुल गांधी चुनाव जीतने वाले और आपके अनुसार ये पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं? हाँ, पूर्ण बहुमत से नहीं जीतने वाले, लेकिन ये हो भी सकता है कि जीत भी जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा भी अच्छी होती जा रही है। माननीय प्रियंका गांधी भी आ गई है बच्चे लय में अपने, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है कि कांग्रेस को फिर से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए फिर से चुनाव जीतेंगे संभवता अनुसार ही अमेठी, लेकिन राहुल गांधी जीतना तय है। जैसा कि आपका कहना है कि राहुल गांधी का जीतना तय है, कांग्रेस की बात की जाए आपके हिसाब से कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है, लेकिन कांग्रेस में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? नहीं, यहाँ राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री दावेदारी नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी को जरूर कहूंगा कि प्रियंका गांधी उनसे अच्छी है, बोलने में भी अच्छी, मतलब सेंस में भी सबसे अच्छी है, कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए अगर सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तब, क्योंकि वो देश के लिए कुछ अच्छे राह तक ले जा सकती है वो। तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर हैं और वो देश को आगे तक ले जा सकती हैं? बिल्कुल। राहुल गांधी और अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं, दोनों की कार्यशैली में क्या अंतर है, और जो दोनों ने काम किया अपने कार्यकाल के दौरान तो उसमें क्या अंतर देखते हैं? अंतर कुछ भी नहीं है, बस यही है कि बहन और भाई का मैटर इसमें ये दिखता है, क्योंकि उसके सेंस में अगर दिमाग में देखा जाए तो राहुल गांधी थोड़ा इनसे कम है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की बात कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की बात की जाए, स्मृति ईरानी अमेठी के लिए कुछ भी नहीं किया, राहुल गांधी ने अमेठी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। अमेठी को क्या नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि अमेठी वाले नाच करते उनके राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन स्मृति ईरानी के ऊपर कोई नाच नहीं करता, उनको ऐसा दुकाना जाएगा आपकी 2024 में तो रास्ता नहीं पाएंगी भागने के लिए। पिछले 5 सालों के दौरान, क्योंकि भाजपा लगातार कहती है कि हमने काफी विकास किया और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, तो अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में अगर अमेठी की विकास की बात की जाए तो अमेठी का विकास कैसा रहा? अमेठी का विकास बहुत खराब रहा, और अगर देखना चाहें आप तो ये बगल में यहाँ पे लगा हुआ है सेवर, वो लगा ये राहुल गांधी सरकार में चलता था, वो सांसद थे तो या चलता था, सारी ट्रेनें बंद हो गई, कई ट्रेनें कम से कम 4 से 5 ट्रेनें बंद हो गई हैं, सब कुछ ट्रेनें बंद हो गई हैं, इसको अमेठी का वाईफाई चलता था, अमेठी का वाईफाई क्षेत्र का बंद हो गया है, ये सीवर बंद हो गया, यहाँ बताती है तंगी है पानी, अरे पानी की तंगी कैसे है यहाँ पे, रोड खराब है, खच्चर रोड बनी, यहाँ अगर यहाँ से जाइएगा तो खच्चर रोड पाएंगे आप, लेकिन उनकी सरकार में जब सांसद थे तो अच्छी रोडें बनी थी, सब कुछ अच्छा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब किसी को पुनः जिताया जाएगा, फिर से यहाँ सांसद बनाया जाएगा राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी को सांसद बनाया जाएगा और उनको फिर से जिताया जाएगा,
अगर आपकी बात की जाए, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो आपके अनुसार क्या है? हमारे अनुसार तो यही है भैया कि हमारे अनुसार यही है कि अब की राहुल को लाया जाए, राहुल गांधी को लाया जाए। अच्छा, राहुल गांधी में और स्मृति ईरानी में अगर बात की जाए, डेवलपमेंट की, विकास की बात की जाए, तो किसने ज्यादा विकास किया? ज्यादा विकास राहुल गांधी ने किया, स्मृति ईरानी ने तो कुछ भी नहीं किया, जो भी था वो और भी बंद हो गया। जैसे ट्रेनें थी, BLD, मुगलसराय थी, सटल था, साकेत थी, ये सारी ट्रेनें बंद कर दी गई। यहाँ का धंधा चौपट कर दिया गया, गरीब आदमी के लिए जीना मुहाल हो गया है कि अपनी रोटी कैसे चलाई जाए। गरीब आदमी के लिए जीना मुहाल हो गया है, रोटी कैसे चलाई जाए, इस चीज की भी दिक्कत आने लगी है। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गरीब आदमी को? जैसे आप चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी जो आप जी रहे हैं, रिक्शा चला के एक जो गरीब आदमी होता है, जो सामान्य आदमी होता है, कैसे आप देखते हैं? यही जैसे हम अपना देखते हैं वैसे उनका भी देखते हैं कि किसी तरीका, जैसे हम अपना पेट पाल रहे हैं वैसे वैसे वो भी पाल रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है, उसने विकास के मुद्दे की बात की है, उसका कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर विकास की बात की जाए, पिछले 5 वर्षों में तो विकास को आप किस नजर से देखते हैं? विकास यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या देखें? जो विकास हुआ है राहुल गांधी के कार्यकाल में हुआ है, राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ है, संजय गांधी के कार्यकाल में हुआ है, भाजपा की सरकार में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ है, सिलेंडर महंगा हो गया और बहुत सारी परेशानियां लोग बता रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से अब यही है, स्मृति ईरानी जीतेंगे अगर चाहे तो, लेकिन बस यही सिलेंडर सबसे पहला कम करें, क्योंकि सिलेंडर 1200-1300 रुपए हो गया है, ये हम लोग को सबसे बड़ी मुसीबत है, जो कि खाना बनाने में सब चीज में उपयोग होता है। 2014-11 का जब उनका राहुल गांधी का था, तो गैस सिलेंडर 440-500-600 रुपए का था, अब समझ लीजिए 1200 रुपए सिलेंडर हम लोग ला रहे हैं। तो सिलेंडर जो 450 का, 500 का, 600 का था, अब लोग 1200 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं, और इस बात को लेकर जनता काफी ज्यादा परेशान दिख रही है। सर, अगर बात की जाए आपके अनुसार डेवलपमेंट की, तो इस जो स्मृति ईरानी का ये कार्यकाल है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक विकास की बात है, विकास जो भी गवर्नमेंट बनती है वो विकास के बारे में सोचती है, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ ना कुछ विकास हर गवर्नमेंट चाहती है कि हो, तभी तो उसका नाम होगा, तभी देश आगे बढ़े। लेकिन बात यहाँ इस समय बेरोजगारी और जो शिक्षा, विशेषकर शिक्षा, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो इतने परेशान हैं, आप समझ लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होंगे, कोई भी भर्ती सही से हो नहीं रही है, ज़्यादातर लोग परेशान हैं, पढ़ने वाला तबका बहुत परेशान, इतनी धांधली किसी सरकार में नहीं रुक रही, इस सरकार में तो और ज़्यादा धांधली है। जितने भी अच्छे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कहती है योग्य, हमारे यहाँ योग्य लोग नहीं है, बताइए आप अपने ही घर के युवाओं को आप जो है इस तरीके से बोल रहे हैं, कहीं आप मुख्यमंत्री होगा या आप इतने बड़े पद पर हो, कैसे बोल रहे हैं? हमारे यहाँ कहीं अगर योग्य नहीं होते तो चंद्रयान जैसे मिशन को कामयाब हमारे देश के किसी न किसी गाँव मोहल्ले के में रहने वाले लोगों ने ही कामयाब किया है, आप इसको समझ लें। कहीं कहीं पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये सरकार टोटली नाकाम है, यही स्मृति ईरानी थी, चूड़ी भेजती थी प्रधानमंत्री को, क्या क्या बोल देती थी, इतना महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर लेके सड़क पर आ गई थी, अब 1300 का सिलेंडर हो गया, अब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, मैं बहुत बहुत हैरान हूँ इस बात से। भाई साहब बताइए, महिलाएं जो उज्ज्वला योजना की सच्चाई ये है, जो सिलेंडर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांटा था उस पर अब कपड़े रख कर ढके हुए हैं, कोई भरवा नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है, कोई नहीं भरवा पा रहा, कौन भरवाएगा बताइए? 1200-1300 रुपये का सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम आप जान ही रहे, ईंधन इतना महंगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल जो तेल की कीमतें हैं वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, और देशों की तुलना करिए वहाँ पेट्रोल सस्ता है, अपने देश में इतनी सब्सिडी ली जा रही है, भाई साहब जनता का जो है दोहन किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा आरोप है कि जनता का दोहन किया जा रहा है, और जितनी महंगाई है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, सिलेंडर जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। स्मृति ईरानी पर एक बड़ा आरोप ये है कि जब सरकार इनकी नहीं थी तो ये लगातार इस बात का विरोध करती थी कि सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है इस पर इन्होंने चुप्पी साध ली है। आने वाले समय में राहुल गांधी को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? राहुल गांधी को यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे हम लोग, बहरहाल अब वो प्रधानमंत्री बने न बने उनके परिवार की बातें हैं। सीट अच्छा, राहुल गांधी पर अभी एक आरोप लगा, इन्होंने संसद के अंदर फ्लाइंग किस कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो गलत सोच वालों की गलत नजर होती है, जैसे कहते हैं ना कि गलत जैसे नजर होती है उसे सोच भी होती है। क्या संसद भवन में केवल स्मृति ईरानी बैठी थी, कोई और महिलाएं नहीं थी?
केवल इन्हीं को बुरा लगना था। देखिए जो नाटकबाज होता है ना उसको नाटक ही समझ में आता है, जो नाटक में काम कर चुकी है वो तो नाटक उनको समझ में आता कि नाटक करके अमेठी के भ्रम फैला देंगे कि मुझे प्लान किस किया, मुझे प्लान किस किया। अरे सिर्फ वही थी वहां पे कई महिलाएं थी, बहुत सांसद थे वहां बैठे, केवल अकेले पूरे भारत में एक सांसद स्मृति ईरानी नहीं है महिलाओं में, केवल बहुत से लोग हैं, करीब 40 से 50 महिला सांसद हैं वहाँ सांसद भवन में। केवल इनको क्यों बुरा लगा, बाकी तो सब चुपके साथ बैठे थे, लेकिन बस छवि को सोचती छवि खराब हो जाए माननीय राहुल गांधी जी की, लेकिन ऐसी नहीं है, जनता को सब पता है, ऐसे सोचती है बेवकूफ बना करके फिर से चुनाव जीत लेंगे। अब ये केमिकल लगा के आंसू गिरा करके चुनाव नहीं जीत सकती है अमेठी में, ये किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत सकती है, इनको ऐसा धक्काना जाएगा कि याद करेंगी हाँ कोई अमेठी आए थे फिर अमेठी ने मुझे भगाया है। तो अब जनता जाग रही है ऐसा इनका मानना है, और ये कह रहे हैं कि अब चुनाव ऐसे आंसू बहाने से नहीं जीते जा सकते हैं, केमिकल लगा के आंसू बहाने से चुनाव जीतने वाले नहीं है। ये थी जनता की राय जो कि अमेठी की जनता है, और अमेठी की जनता क्या चाहती है ये आपको अमेठी की जनता ने बताया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक, आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही लोगों से और रूबरू करवाते रहेंगे कुछ नए नए लोगों से। जय हिंद जय भारत।